50,000 जैकेट पहन विकास की बात करने आए त्रिवेंद्र। इसकी कीमत देखें, मैंने इसे पूछा, यस, उसने कहा साहब ये जो सूट है ये 55,000 रुपए का सूट है। भांग भरोसे उत्तराखंड का होगा विकास। मुझे मेरे साथी कहते कि आपने आज कुछ कपड़े कुछ विशेष पहने। देखिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा जिस कपड़े की डिमांड है वो है हेम्प से बना हुआ कपड़ा, यानी भांग के रेशे से बना हुआ कपड़ा। दूसरे नंबर पर जो डिमांड है वो डिमांड है कंडाली, बिच्छू घास, नेटल, उससे बना। त्रिवेंद्र की भांग में नशा नहीं रोजगार है। भांग से, कई बार भांग का मतलब हम नशा समझ लेते हैं, ये इससे जिससे बना हुआ है, इस भांग में नशा नहीं है। सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात, सुनिए इनकी बात, सुनिए हास्य की ताजी दुनिया में खो जाइए, त्रिवेंद्र की इस व्याख्या के रंग में रंगीन हो जाइए, महसूस कीजिए आप अपने मुख्यमंत्री के अद्भुत संसार में खो गए, जहां है तो खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बाकी सब तो अदृश्य है, आपकी जिंदगी में अपनी बेचैनी है हम जानते हैं, लेकिन माननीय को तो सुनना पड़ेगा, एक बार जरूर सुनिए। आज मेरी जो जॉकेट है ये बिच्छू घास की बनी हुई है, उत्तराखंड की बनी हुई है। जो मेरे कुर्ता है ये भांग के रेशे से बना हुआ है। जो मैंने जूता पहना है ये भी 100% हेम्प से बना हुआ है, भांग से बना जूता जो पहना हुआ है। टोपी नहीं है, बस अगली बार टोपी भी पहन के आऊंगा। और आज अगर हम इसकी कीमत देखें, मैंने इसे पूछा, यस, उसने कहा साहब ये जो सूट है ये 55,000 रुपए का सूट है। ये अलग ही तरीके का तर्क है, बिल्कुल वही वाला जब उन्होंने शराब से विकास का कनेक्शन किया था। और मैं समझता हूं कि वो पूरी तरह एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जो स्थानीय किसानों के हमारे फल उत्पादन जो कर रहे हैं उनके फलों का उपयोग होगा, तो मैं समझता हूं को अच्छे मूल्य उनको मिलेंगे। अब अपनी सियासी भंगिमा में रम कर भांग के गुड़ों के व्याख्यान करने में जुट गए हैं, भांग में नशा है। त्रिवेंद्र अब भंग पिया करो की बात को नकार कर भंग उगाया करो को लाइसेंस बनाने में जुट गए हैं, भांग की खेती को घर घर पहुंचाने के लिए आमादा है। तभी तो कुर्ते पैजामा सदरी से लेकर जूते हर चीज जो उन्होंने पहना है। टिहरी में स्थापना दिवस के रविवार कार्यक्रम में जब सूबे के मुख्यमंत्री ने अपने 50,000 भांग से बने जैकेट की घोषणा की तो जनता भी आश्चर्य से देखती रह गई। आखिर देखती कैसे नहीं, जिस घर का चूल्हा बमुश्किल से जलता हो उसी का मुख्यमंत्री हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते अपने रुतबे का एहसास करा रहे हैं। लगाइए कि 50,000 की जो जैकेट है भांग की जैकेट, उसके लिए कम से कम आदमी की इनकम 2,00,000 रुपये होनी चाहिए, तो उसको आम आदमी तो पहन नहीं सकता है। तो मुख्यमंत्री को मेरे हिसाब से सरकार को ये करना चाहिए कि जिससे आम आदमी को रोजगार मिले, जैसे आप दूध का है दूध वालों को सब्सिडी दें, आपके पहाड़ों में मत्स्य पालन का, तो ऐसा कुछ हमारे सरकारें ऐसा कुछ कर नहीं रही है कि जिससे कि पहाड़ में रोजगार उत्पन्न हो सके और पलायन पे रोक लगाई जा सके। तो मानिए आजकल उत्तराखंड में सिर्फ 3 ही चीजों की चर्चा है, एक भांग, दूसरी बिच्छू घास कंडाली और तीसरी खुद सूबे के मुख्यमंत्री। त्रिवेंद्र सरकार बिच्छू घास कंडाली और भांग के भरोसे प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगारों को स्वरोजगार का सपना दिखा रहे हैं। पहाड़ टीवी के लिए नवल खाली की रिपोर्ट।